टेल अवीव पर हमास के हमले को लेकर एक और तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि अब हमास ने हमले का वीडियो जारी किया और टेल अवीव पर एक साथ दागी गई कई मिसाइलों की ये तस्वीर देखिए। और खेरसा में एलएफ बैंक में रूसी काफिले पर हमले को लेकर बड़ी खबर, चेक पॉइंट के नजदीक से गुजर रहे काफिले पर वार, अटैक की ये तस्वीर। और खारकीव में रूसी हमले का सबसे नया वीडियो आया सामने, एपिसेंटर मॉल के अंदर रूसी हमले का सीसीटीवी वीडियो है ये। रूसी हमले में 16 लोगों की मौत हुई और 40 से ज्यादा जख्मी। हमले की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से मॉल के इस हिस्से को तबाह कर दिया गया और कैसे इस हमले को अंजाम दिया, और जिस वक्त ये अटैक हुआ उस दौरान ज्यादातर लोग इसी इलाके में मौजूद थे, और यही वजह है कि बड़ी खबर आई कि किस तरीके से इस हमले में 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। और अब रूस का यूक्रेन पर महाबॉम्ब से हमला, एक और बड़ी खबर है, रूस का फैब 500 बॉम्ब से यूक्रेन पर वार, और रूस ने एक साथ 4 फैब 500 बॉम्ब से हमला किया है। इसी हमले में वेपन समेत यूक्रेनी फ्रंट लाइन भी कैसे हुई तबाह ये तस्वीर। इन बड़ी खबरें एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और साथ ही खेरसों में रूसी काफिले पर हमले की ये तस्वीर सामने आई है। रूसी हमले में किस तरीके से लोगों ने जान गंवाई, क्योंकि कैसे खारकीव में ही रूसी हमले का ये नया वीडियो अब सामने आया जिससे साफ हुआ कि किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, और साथ ही रूस का यूक्रेन पर महाबॉम्ब से वार। अब अमेरिकी हमले से शुरू होगा वर्ल्ड वॉर, एक और बड़ी खबर है, रूसी सुरक्षा काउंसिल के डेप्यूटी हेड की ये बड़ी धमकी है, रूसी इलाके में अमेरिकी हमला हुआ तो विश्व युद्ध, पोलैंड के विदेश मंत्री के बयान पर मेदवेदेव की ये चेतावनी, न्यूक्लियर वॉर के हालात में नहीं बचेगा पोलैंड। तो रूस में यूएस हमला हुआ तो विश्व युद्ध, और ये चेतावनी दी गई है मेदवेदेव की तरफ से, कहा गया न्यूक्लियर वॉर के हालात में पोलैंड नहीं बचेगा। चेतावनी ये कि पोलैंड के विदेश मंत्री के बयान पर मेदवेदेव ने ये चेतावनी दी, और साथ ही आपको बता दें रूसी सुरक्षा काउंसिल के डेप्यूटी हेड की ये बड़ी धमकी को लेकर ही इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका की गलती, वर्ल्ड वॉर की घंटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रूसी सुरक्षा काउंसिल के डेप्यूटी हेड दिमित्री मेदवेदेव की ये वार्निंग है, रूसी इलाके में अमेरिका ने हमला किया तो वर्ल्ड वॉर तय है, यूक्रेन में भी रूसी सैन्य ठिकाने पर अमेरिकी हमले हुए तो वर्ल्ड वॉर को दस्तक। दिमित्री मेदवेदेव ने पोलैंड के विदेश मंत्री के बयान पर यह पलटवार किया है, और पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की ने रूस पर पश्चिमी हथियारों से हमले की मांग की थी। आपको बता दें सिकोर्स्की ने कहा था कि नेटो की रेड लाइन रूस को बढ़ावा दे रही है। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन में सेना भेजेगा लिथुआनिया, और यूक्रेन में जंग लड़ेगी लिथुआनिया की सेना, बड़ी खबर, रूस के खिलाफ युद्ध में लिथुआनिया भी अब उतरेगा, और लिथुआनिया विदेश मंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है। नेटो में शामिल है बाल्टिक देश लिथुआनिया, और उसकी अब युद्ध में एंट्री को लेकर इस वक्त होगा ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ेगी लिथुआनिया की सेना, और साथ ही आप जानिए किस तरीके से यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर लिथुआनिया की तरफ से ये फैसला लिया गया है। मनीष एक क्विक अपडेट, क्योंकि बाल्टिक देशों की इस तरीके से बयानबाजी भी एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि नेटो देश में शामिल है लिथुआनिया, और इसकी अब युद्ध में एंट्री का मतलब क्या है? आप बिल्कुल देखिए, कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे इन देशों के तरफ से इस तरह की बयानबाजी स्वाभाविक दिखती है पहली नजर में, क्योंकि रूस से रूस इनको फूटी आंख नहीं सुहाता है। लेकिन हाँ, अगर आप साइज वाइज देखें, आप सोचिए लिथुआनिया की कितनी सेना होगी, अगर वो रूस से लड़ने के लिए जाएगी तो उनका कितना अस्तित्व बचेगा। लेकिन उन्हें पता है बात यहाँ लिथुआनिया की नहीं है, क्योंकि लिथुआनिया एक नेटो देश है, और उन्हें पता है कि एक बार वो लड़ने गए तो पीछे से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस सबको आना होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो छोटे छोटे ये तीनों देश हैं बाल्टिक देश में, जिस तरीके से ये लगातार ट्रूप्स भेजने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये रूस के साथ सीधी जंग करना चाहते हैं, ऐसे में लगता है कि रूस और नाटो की जो जंग है वो बहुत करीब होती जा रही है।